नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां चांद में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कमलनाथ चौराहे विधानसभा में पहुंचे थे, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जुबानी वार भी किया कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं। ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रमक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। मध्य प्रदेश में धन परिवर्तन और लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है। इसी कड़ी में धर्मांतरण का ताजा मामला छिंदवाड़ा से सामने आया, जहां 500 से लेकर 600 महिलाओं और पुरुषों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित कर दिया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी हिंदू संगठन और पुलिस को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और हंगामा कर आयोजन को रोका। साथ ही पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 100 लोग पकड़ाए हैं जो धन परिवर्तन के लिए आए थे, जो बाहर से आए थे, जो झारखंड से आए थे, वो 4 लोग आए थे झारखंड। 4 लोग जो ईसाई मिशनरी द्वारा उनके फादर्स बनाया गया है, उनको लोगों को पहला फुसला के सादे जो निरंतर आदिवासी अंचल के लोग हैं जिन्हें समझ नहीं होती, उन्हें धर्म परिवर्तन की आड़ के माध्यम से उन्हें यहाँ बुलाया गया था। मिशनरी कहाँ से आए? झारखंड से आए थे। लगभग 4 से 5 लोग मेन थे इसमें और लगभग 11 से 12 लोग है इसमें। कुछ रुपए का लालच दे के, बीमारी का लालच दे के उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आज स्थानीय परासिया रोड में वंदना लॉन है। इस वंदना लॉन पर झारखंड से आए हुए पास्टर लोग चंगाइया सभाएं आयोजित कर रहे थे। यहाँ पर आसपास के तामिया क्षेत्र, बिछुआ क्षेत्र और नागपुर से भी कई लोग, एससी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए थे और एसटी समुदाय के आदिवासी लोग, जिनको किसी बीमारी का ठीक करने का आश्वासन देकर यहाँ पर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी और स्थानीय वंदना लॉन में आकर सभी कार्यकर्ताओं ने उस चंगाई सभा को रोका। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुंज बिहारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कुंज बिहारी, 600 से ज्यादा आदिवासियों के धर्म परिवर्तन की खबर लगातार सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और इस पूरे धर्म परिवर्तन के तार क्या किसी अन्य राज्य से भी जुड़े हैं? जी, अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं और कल लॉन में संगाई सभा का एक आयोजन था, जब इसकी सूचना राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों को लगी तब वहां फिर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हंगामा करते हुए वंदना लॉन में अंदर गए और संगाई सभा को विफल किया। उसी के पश्चात तत्काल मतलब थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फिर मामले को अपने हाथ में लेते हुए मामले को रफा तफा किया कि सभा यहाँ पे हंगामा ज्यादा ना हो पाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कुंज बिहारी शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आयोजित पीएम किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त की जो राशि है वो किसानों के बीच बांटी गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसेन जिले के 1 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 32,29,00,000 से ज्यादा की धनराशि डाली है। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण और आर्थिक उन्नति के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार के द्वारा गांवों को शहर से जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना संचालित कर रही है। इस योजना में अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा जिस तरह गुणवत्ता विहीन काम किया जाता है उससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल घनसौर से किंदुराई मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर सैलवाड़ा गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ था और निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होने के चलते 4 सालों में ही सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई और ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी और ठेकेदार सड़क मरम्मत का काम तक नहीं कर रहे। वहीं जब हमारी टीम एसडीएम के पास पहुंची तो एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द सड़क मरम्मत का काम करवाने के लिए कहा गया है। अब तो
अब देखे होंगे, लेकिन यहाँ से कम 4 साल पहले की बनी हुई है। अभी कंडीशन इतनी बेकार है कि गड्ढा गड्ढा है और पूरी निकली हुई गिट्टी ऐसे है यार रोड पे कि अब क्या बताएं। सभी को समस्या होती है, गाड़ी घोड़ा जाने में भी समस्या होती है, इतनी ज़्यादा समस्या बन गई है। और साथ में गांव में भी इतनी समस्या है कि आने जाने में बच्चों को, शिक्षा देने वाले टीचरों को, सभी को बहुत दिक्कतें जाती है। हाँ, जो प्रधानमंत्री वाली रोड में जो काम लगा है उसमें बस ऐसे ही गिट्टी को हल्का हल्का डामर डाल देते हैं, गाड़ी भी अगर बच्चे भी जाते हैं स्कूल तो स्लिप होकर गिर जाती है। ऐसे रोड बना रहे हैं वो लोग, पूरी उधड़ रही है वो रोड, ऐसे ही है, गिट्टी से गिट्टी है पूरी रोड में, बस ऐसे ही पड़ी है वो। कभी शिकायत वगैरह किया? शिकायत करते हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता ना, यहाँ थोड़ी आउट में पड़ जाता है गाँव है, यहाँ कौन कोई सुनता ही नहीं है हमारी यहाँ। किनराई और केदारपुर रोड से जो सेलवाड़ा के लिए रोड गया है, ये प्रधानमंत्री सड़क का है और आपने यदि मेरे नॉलेज में डाला है तो मैं प्रधानमंत्री के रोड के जो अधिकारी हैं उनको लिखित में सूचना भेजूंगा ताकि आम जनता को आने जाने में परेशानी न हो और रोड की मरम्मत शीघ्र चालू हो। दिक्कत जा रहे हो सभी लोग, हम लोग सब बता तो रहे हैं कि रोड के बहुत ही दिक्कत है, बहुत परेशानी होती है। अरे यहाँ बेजाबे में हर एक चीज़ों में बिल्कुल परेशानी जा रही है। एम्बुलेंस वगैरह आती है? आती हैं तो वहाँ कहाँ जाएंगे, साधन ही नहीं है जाबे आबे के, तो वहाँ कहाँ जाएंगे। गांव वालों में इसकी शिकायत करें हैं कभी? शिकायत तो कई बेरी कई आवेदन कई चीज़ हो रही नहीं, अगर कोई सुनाई नहीं हो रहा। अरे पहले बने रहे सर 3-4 साल पहले, अभी तो जर्जर हो गए पूरी ऐसे ही। इसमें कोई काम वाम हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। और इसके आगे भी कोई रोड है जहाँ पे रोड ही नहीं है, लोग आना जाना जो है गांव वाले परेशान? अरे बड़ी दिक्कत है, यही तो रोड है, यहाँ से ऐसे घूम के यानी कि लड़का बरसात बहुत परेशानी जाता है, चीखल बहुत ज्यादा है। खबर तेंदुखेड़ा से है जहां पंचायत चावरपाठा के सभागृह में नव निर्वाचित विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम अधिकारियों, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों के द्वारा रखा गया, जिसमें विधायक ने सभी को धन्यवाद देते हुए स्पष्ट किया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ हर लोगों तक पहुंचेगा। पश्चिम विधानसभा में महज एक खेल का मैदान है, ऐसे खेल मैदान को किसी विभाग द्वारा चिन्हित कर उस पर सीएम राइज स्कूल बनाने का फैसला किया गया है, जिसका आज तक भूमि पूजन नहीं हुआ है। वहीं इस मामले पर स्थानीय लोगों में रोष है, उनका कहना है कि इस मैदान में वो स्कूल नहीं बनने देंगे। इसी कड़ी में जिसका आज बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनों के साथ पहुंचकर काम को बंद करा दिया गया। मेडिकल बड्डा दादा ग्राउंड में जो सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा था, यह निर्माण बिना जानकारी, बिना भूमि पूजन, जबकि ये सारे अधिकारी और सारे विभाग के लोग जानते हैं कि ये माननीय कैबिनेट मंत्री जी की विधानसभा है, उसके बाद भी इस तरह का काम जो बर्दाश्त के बाहर है। और मदन महल के इस तरफ चूँकि एक ही मैदान है, खेल परिसर है, जिसमें बच्चे खेलते हैं, खिलाड़ी आके खेलते हैं, क्रिकेट दौड़ सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, सीएम राइस स्कूल इस मैदान में बनने के कारण ये मैदान हाथ से चला जाएगा और यहाँ क्षेत्र में इस विधानसभा में कोई भी मैदान शेष नहीं रह जाएगा, इसलिए आज यहाँ आकर हम सभी साथियों ने यहाँ काम बंद कराया। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां नरसिंहपुर में जनसुनवाई के दौरान आरती जाटव और बेटी एकता चौधरी एसपी ऑफिस पहुंची, जहां पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित आरती ने बताया कि उसकी शादी 2013 में आर्य समाज द्वारा कराई गई थी, जिसके बाद से ही उसका पति मारपीट और दहेज नहीं देने पर तलाक की धमकी देता है और जबरदस्त तरीके से मारपीट तक करता है। तो एसपी कार्यालय मां बेटी पहुंची है, जनसुनवाई में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले पर पीड़िता ने बताया कि 2013 में आर्य समाज के द्वारा उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद से ही पति लगातार मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वो तलाक की धमकियां तक देता है। खबर दमोह से है, जहां प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक और धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जिले के तेंदुखेड़ा विकास खंड के जनपद सभागार में आयोजित दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित करते हुए कहा कि दिव्यांग जन हर संभव लाभ देने के लिए जिले में बड़े स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर दिव्यांग जनों ने उपकरण पाकर अपनी खुशी जाहिर की है।
बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि दिव्यांग जनों का शिविर हमारे जनपद तेनुघेड़ा में आयोजित हुआ है और जिसमें 78 उपकरण 56 दिव्यांग जनों को वितरित किए गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी बड़ा शिविर लगाकर दिव्यांग जनों की समस्याएं हैं उनको उनकी समस्याएं दूर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुखेड़ा में अचानक देखते ही देखते मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तेज बारिश के साथ साथ ओले की भी बारिश हुई, जिससे किसानों के खेतों की फसल बर्बाद हो गई। साथ ही मसूर, बटरी, तेवड़ा की उपज विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के कारण लगभग पहले ही बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूर लाली के लग गया, सब खत्म हो गए। कितने एकड़ में मसूर? 3 एकड़ में हती, जिससे पूरे सब खत्म ही हो गए। कट रही है? अब कट रही है, अब इनकी मजदूरी में खड़े आ जाएंगे। पटवारी आया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं अब तक। कच्छ सिस्टम। क्या समस्या आपकी? जी मसूर में लालिया लगा है और पटवारी अभी तक आया नहीं, ना कोई सर्वे हुआ ना हमने अभी तक पटवारी देखा। कौन सा गाँव आपका ये? बिल्कुल। कितने एकड़ में मसूर लगी आपकी? 4 एकड़। तो स्थिति कट गई, मसूर कटने की स्थिति जी। हाँ, अभी तक सर्वे ना कोई सर्वे हुआ ना कुछ हुआ। तो आपके साथ भी यही है? हाँ यही है, पटवारी जी तो आए नहीं, ना सर्वे हुआ, वो मसूर जो भी सब खत्म। गांव में भी नहीं आते पटवारी? नहीं, गांव में नहीं आते। कितने एकड़ में मसूर लगी? मसूर है 2 एकड़ में। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? पप्पू पटेल। अभी तक पटवारी ने देखा ना? नाम जानते हैं? पटवारी जी को अभी नहीं देखा। दमोह शहर के धर्मपुरा वार्ड के बाईपास पर बीती रात तेज बारिश और बिजली की तड़क से खेत में बने कुंजी पटेल के कच्चे मकान की दीवार और छप्पर गिर गई। इस मकान के अंदर मौजूद एक मासूम और उसकी मां मलबे में दब गई, जिसकी चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और उन्होंने रेस्क्यू कर दोनों को मलबे से बाहर निकाला। मोहल्ला के द्वारे तो बहू आध घंटा बाद निकाले, आप देख लो ईंटे बेटे ने। कौन कौन घायल हुआ है इसमें? बबली और बिन्ना को, उन्नति उन्नति बबली की बिट्टी उन्नति। ये हमारे धर्मपुरा बाईपास के जो पटेल लोग रहते हैं, यहाँ रात में जब वो बारिश और बादल की बहुत तेज तड़कन में ये मकान जो है मकान गिर गया, इनके बच्चे और परिवार के लोग दबे हुए थे। तो बाजू में जो पटेल परिवार इनके दूसरे परिवार रहते हैं, इन लोगों ने सबको व्यवस्थित करके और उनको निकाला है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे जबेरा थाना में गहरे तराहे से कुछ दूरी पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल शिकारपुर मड़िया निवासी बाइक से जा रहे थे, इस दौरान ट्रक को ओवरटेक करते हुए अचानक से बस के सामने से भिड़ंत हो गई और यह हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक चालक बस के नीचे घुस गया और बस कुचलते हुए उसे आगे निकल गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास प्रोडक्शन.gfx@gmail.com पर।